Hi guys, welcome to Maharashtra Law CET 3 years 2022 preparation video and today's video is very very important. सीक्रेट कोड के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है? तो किसी को बताना नहीं है ये चीज़, जस्ट किडिंग गाइस. जस्ट आई हैव एनालाइज द पेपर एंड जो मेरा लास्ट 5 years CET को लेके एक्सपीरियंस है. सिंस 2017 आई एम राइटिंग ऑल द CET एग्जामिनेशन. सो बेस्ड ऑन दैट आई हैव मेड टू काइंड ऑफ प्लानिंग थ्रू विच वी कैन हिट 120 प्लस आउट ऑफ 150. सो 120 प्लस अगर अपना स्कोर आ रहा है तो GLC IELTS फॉर श्योर है, प्रोवाइडेड अगर कट ऑफ आगे नहीं गया हुआ है तो. सेफर साइड 125 बोल सकते हो, बट इफ़ यू आर आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो फिर आपके लिए ना तो रिजर्वेशन है ना तो आपके लिए सीट्स जो है वो भी बहुत कम है, तो आपको ज़्यादा फाइट मारनी है. मतलब 125 से 130 तक का टारगेट आपका होना चाहिए. सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर, नंबर वन. सेकेंड, क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं अपन कि अगर अपना स्कोर 80-90 के आसपास है तो हाउ वी कैन मैक्सिमाइज द स्कोर, कहाँ पे अपना स्कोर बढ़ सकता है, कौन से सेक्शन में वी कैन मैक्सिमाइज, इन विच सेक्शन जितनी भी मेहनत कर लो नहीं बढ़ सकता, वहाँ पे कोई गारंटी नहीं है. तो वो सब बात करने वाला हूँ मैं. तो ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, प्लस ये स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी. सिर्फ प्रिपरेशन से एग्जाम निकलता तो क्या ही बात थी. सो यू शुड हैव अ बेटर स्ट्रैटेजी, बेटर प्लानिंग, नंबर वन. सेकेंड, जुआड़ भी कुछ होता है जो एंट्रेंस में लगता है, ठीक है? सो आई हैव क्लियर माई मल्टीपल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द जुआर्ड स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग. प्रिपरेशन 60-70% थी, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम एंट्रेंस निकालना है तो थोड़ा सा ये सब भी आपको एडिशनली करना पड़ेगा. ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, क्वेश्चन को स्किप करके बाद में कैसे सॉल्व करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, ये सब जो है वो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग जुआर्ड आप बोल सकते हो, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आई कीप ऑन टॉकिंग इन माई क्लास, जब भी मेरे लेक्चर्स होते हैं इन द क्लासरूम ऑल्सो दादर बोरीवली वसई या तो फिर लाइव क्लास में. आई कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट दी हाउ टू प्रिपेयर द सेक्शन, हाउ टू वर्क ऑन दी एग्जामिनेशन, हाउ टू अंडरस्टैंड द एग्जाम, कम टाइम में मैं कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ और मेरा ये सेक्शन वीक है तो मैं उसको कैसे अच्छा कर सकता हूँ. ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती है. इफ़ यू राइट मल्टीपल एंट्रेंस एंड यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग, यू कीप ऑन राइटिंग द एग्जामिनेशन, देन ग्रेजुअली यू कोप अप विद द एग्जामिनेशन एंड यू गेट टू द जिस्ट ऑफ द एग्जाम. ओके, ये एग्जाम को निकालना तो ये काम करना पड़ेगा. सो दैट्स वॉट आई कीप ऑन टॉकिंग टू ऑल द मैनुअल स्टूडेंट, दोज हू हैव जॉइन अस फॉर द क्लासरूम और द लाइव क्लास. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मैक्सिमाइज आर स्कोर, हाउ वी कैन हिट 120 प्लस का स्कोर. सो देर आर टू वे. नंबर वन, वे वन पे पहले बात करते हैं. आपको क्या करना है यहाँ पे, ये बहुत स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन है. पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं 150, ठीक है ना? 150 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं. चार सेक्शन है, लॉजिक है, इंग्लिश है, GK है और लीगल है. 150 में से इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 120 और 30 क्वेश्चन, है ना? पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है. अभी 120 जो क्वेश्चन है इसको मैं बोलता हूँ आप अटेम्प्ट करो, जेन्यून अटेम्प्ट, इसको मैं जेन्यून अटेम्प्ट बोलना चाहूँगा. ये जेन्यून अटेम्प्ट है आपका, मतलब जेन्यून अटेम्प्ट भी आप 90% एक्यूरेसी से पकड़ के चलो. एक्यूरेसी का मतलब जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करा वो राइट हो रहे हैं, वो मेरी एक्यूरेसी है. सो अगर एक्यूरेसी परसेंट कैलकुलेट करना है आपको, सो राइट अपॉन टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट इनटू 100 कर दो, आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी. सो 120 में से 90% अगर अपनी एक्यूरेसी है तो अपना स्कोर आएगा 108, है ना? 108 अपना स्कोर आने वाला है, 108 मार्क्स. स्टिल वी हैव टू हिट 12 मार्क्स मोर. तो यहाँ पे 30 जो क्वेश्चन है इसकी 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर आप जाओगे तो 12 से 13 क्वेश्चन आराम से यहाँ पे राइट हो रहे हैं आपके, है ना? सो इसको आप मर्ज करोगे, ऐड करोगे तो ये 120 प्लस स्कोर आपका हो जाएगा. दिस इज़ द वन वे कि 30 क्वेश्चन को मैं 1/4 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मार्क करूँ. 1/4 प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूँ तो मतलब मैंने मटका भी मारा, तुक्का भी मारा, स्मार्ट गेस भी किया, तो मिनिमम मेरे 12 क्वेश्चन तो राइट होंगे 30 में से, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आपको ये एक स्ट्रेट अवे तरीका है जो आप सोच सकते हो कि हाँ मुझे 120 क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास 120 मिनट का टाइम है तो मैं GK में कम टाइम लगाऊंगा, बाकी का टाइम जो सेव होगा वो मैं 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरे कर लूँगा और जो टाइम बचेगा वो स्मार्ट गेस पे जाऊँगा. दिस इज़ द वन वे टू थिंक. सेकेंड वे में आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन चाहिए रहेगा सेक्शन वाइज. अब वो थोड़ा सा आपको भी समझना होगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे वर्कआउट इस पर करना है. तो पहला आपका है लॉजिक, सेकेंड इज़ योर GK, आफ्टर देन योर इंग्लिश एंड आफ्टर देन योर लीगल, ठीक है? तो ये आपका आएगा 30 क्वेश्चन, ये आएगा 40, ये आएगा 50, ये आएगा 30. इसमें आपने 20 क्वेश्चन राइट कर लिया, 30 में से 20 राइट यार एनी हाउ होने वाला है आपका. मतलब अगर ये स्कोर नहीं आता है तो मतलब आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन की है या तो आप
कहीं भी पढ़ रहे हो, या तो आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है, आपको खुद नहीं पढ़ रहे हो, सीरियस नहीं हो, या तो कोचिंग में पढ़ाई नहीं हो रही, सिंपल है। सो इसीलिए आपको प्री रिकॉर्ड का एक्सेस मेन्यू में पहले ही मिल जाता है भाई, एटलीस्ट वहाँ से चालू कर दो, लेक्चर्स आपके हो रहे हैं और लेक्चर्स के बाद भी यू कैन कीप आस्किंग योर डाउट्स एंड क्वेरी, बट आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो फिर डाउट कहाँ से आएंगे, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। 30 marks आउट ऑफ 50 आई थिंक इज़ अ डिसेंट स्कोर जो आप स्कोर कर सकते हो, 50 में से 30 तो इंग्लिश में आएगा। यहाँ पे मैं 50% 20 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 20 ले रहा हूँ, ये आपका मिनिमम स्कोर जो मुझे चाहिए। तो ये स्कोर आप मुझे पहले लेके आओ, अगर आप मेनुअर स्टूडेंट हो, क्लासरूम में हो, तो वेन एवर आई विजिट द क्लास यू कैन शो मी दिस चार्ट, मेरा ये स्कोर आ रहा है, तो मैं आगे बताऊँ कि क्या करना है आपको, ठीक है। सो 20 कितना हो गया, 40, 40 प्लस 30 कितना हो गया आपका, ये तो आपका 50 हो गया, 40 हो गया, तो पूरे मिला के 90 मार्क्स हो गए। अभी भी अपने को लैग कितना कर रहा है, 30 मार्क्स, राइट, 30 मार्क्स मुझे और लेके आना है, तो अभी 90 आ गया। ये आइडली लोग का 90 100 के बाद स्कोर लाना इज़ अ टास्क कि कैसे लेके आए। तो अभी देखो यहाँ पे गैप कितना, 10 मार्क्स का है। मैं आराम से बोल सकता हूँ अगर आपने मेन्यूअल का लाइव या क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, सिर्फ आपको अनएथिकल रीजनिंग में क्वेश्चन अटकने के चांस है, मतलब वहाँ पे आपका टाइम लगेगा, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो वहाँ पे भी अच्छा कर जाओगे। तो क्योंकि एक सेट आपका टफ आएगा अरेंजमेंट पजल वाला, वो मुझे मतलब हर साल सीटी करता है, तो वहाँ पे मार्क्स का ऊपर नीचे बोल सकते हैं, बट मुझे लगता है यहाँ पे आप आराम से 5 to 6 मार्क्स और ऐड कर सकते हो, 5 to 6 मार्क्स आ सकता है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीके में 30+ लाना इज़ अ टास्क, तो मैं यहाँ पे मिनिमम 5 to 10 बोल रहा हूँ कि आप लेके आ सकते हो, मतलब 30 के ऊपर गया तो मतलब आप हीरो हो, मतलब आपको जीके में बहुत कुछ आता है, ठीक है। सो 5 मिनिमम, मैक्सिमम 10, ये इतना मार्क्स हम और ऐड कर सकते हैं अगर हमने और मेहनत की अच्छे से, तो अभी टाइम है हमारे पास, ओके। 50 में से 5 to 10 आराम से, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, गुजराती मीडियम से हो, वर्नाकुलर जो भी मीडियम से हो, या इंग्लिश मीडियम से भी हो, आपका 5 to 10 मार्क्स यहाँ बढ़ सकता है। आपको सिर्फ रीडिंग पे काम करना है, आप अपनी ग्रामर के रूल्स पे वर्क करो, ईडियम्स एंड वोकैब पे थोड़ा सा वर्कआउट चालू कर दो, इतना काम करना है आपको। मैंने सब कुछ प्लानिंग दिया हुआ है कैसे वर्कआउट करना है, तो वो वीडियोज़ देख लो मेरे। लीगल में यार मिनिमम यहाँ पे तो मैं 30 में से 30, मतलब अगर आपने मेनुअल के लॉयर से पढ़ा हुआ है तो मुझे लगता है यहाँ पे आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, बट देन तो मिनिमम मैं 5 to 6 मार्क्स बोलता हूँ, ठीक है। तो अभी मिनिमम को मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो कितना हो गया 20। मैक्सिमम कितना जा सकता है, 6 16, ये हो गया 20 आपका, 10 10 20 और 6 6 12, है ना, 20 और 12 कितना हो गया, 32। ये आपका मिनिमम है, ये आपका मैक्सिमम है, और 90 plus 20 किया अगर मैंने तो आ गया ये कितना, 110, और यहाँ पे मैंने 90 plus 32 किया तो मेरा स्कोर बनेगा 122। तो आपको डिसाइड करना है और आपको ये चीज़ एनालाइज़ करना है कि कौन से सेक्शन में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ और कौन से सेक्शन में मुझे लग रहा है कि स्कोर यहाँ नहीं बढ़ेगा। ये मैंने आपको एक रफ़ फिगर दे दिया, बट ये 70 to 80% जनता जो है वो इसी कैटेगरी में फॉल होने वाली है, ठीक है। बाकी जो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे तो भाई आप पर कुछ नहीं कर सकते, बट इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर दी बेस्ट कॉलेजेस देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस नंबर, एंड या मेहनत आपको ही करनी होगी। यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दी कैलकुलेशन पार्ट, स्कोर पार्ट, डोंट मेक योर सेल्फ फुल यार मैं कर लूँगा, इससे भागो मत, ये रियलिटी है, तो इससे डोंट रन फ्रॉम दिस नंबर, एंड डोंट मेक योर सेल्फ फुल, योर पेरेंट्स फुल ऑल्सो फुल। आई डोंट मीन टू से कि आप किसी को बेवकूफ बना रहा, आई मीन टू से कि रियलिटी को एक्सेप्ट करो कि मेरा ये प्रॉब्लम, मुझे उस पर वर्क करना है, ठीक है। सो माई इंटेंशन इज़ नॉट टू टेल यू पीपल फूल, बट या आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जब हम अपना स्कोर देखते हैं तो हम स्कोर से भागते हैं, स्कोर कम आता है तो हम यार स्कोर नहीं देखना चाहते हैं, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। और बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड एक्सेप्ट दिस कि यार हमें इसमें प्रॉब्लम है, मैं वीक हूँ, एक्सेप्ट करो वीक हूँ, तो फिर उस पर काम करेंगे, बिकॉज भागोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसको एक्सेप्ट करके, उसको चैलेंज ले करके उस पर वर्क करोगे तो डेफिनेटली यू कैन चेंज द गेम, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द स्कोर प्लानिंग। तो एक तो आपका वे वन है जहाँ पे 120 प्लस डायरेक्ट है, और एक आपका सेक्शन वाइज ब्रेकअप मैंने दे दिया, 110 मिनिमम आएगा आपका, 122 मैक्सिमम आएगा, राइट। सो ऑब्वियसली मैक्सिमम वाला पकड़ के चलो, 122 का स्कोर अपना आना चाहिए, 120 प्लस फॉर द GLC मुंबई एंड ILS पुणे, ठीक है। सो थिंक लाइक अ किंग, मैं या तो सीटी में टॉप करूँगा या तो मैं 120 के ऊपर का स्कोर लेके आऊँगा, ये मेरा टारगेट होना चाहिए।
या तो फिर वाइस वर्सा सोच सकता हूँ मैं, या तो मैं सिर्फ GLC जाऊँगा या तो फिर ILS पुणे जाऊँगा या तो फिर जो भी अदर कॉलेज यू आर टारगेटिंग फॉर। तो ये अगर स्कोर आ रहा है आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई डिफॉल्ट यू विल बी गेटिंग दीज कॉलेजेस। ओके, प्रिपरेशन वाइज इन केस इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर द क्लासरूम, यू वॉन्ट टू विजिट दादर बोरीवली एंड वसई। सो एट बोरीवली 2023 के लिए भी पीपल हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फॉर लॉ एंट्रेंस 2023, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन बोरीवली सेंटर। एंड वसई के लिए नंबर पर कॉल कर सकते हो, एंड दादर के लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर फॉर 2022 एंड 23 बैचेस। ओके, लाइव क्लास इफ़ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड तो लाइव क्लास के लिए 8828581455 यू कैन कॉल ऑन। एंड डू सब्सक्राइब आवर सेपरेट यूट्यूब चैनल विच इज नथिंग बट मैनुअल लॉ एंट्रेंस, वे विल बी गेटिंग द स्पेसिफिक लॉ स्पेसिफिक वीडियोज एंड पूरे लॉ के जितने भी एग्जामिनेशन को लेकर के अपडेट्स है वो वहाँ पर मिलते रहेंगे आपको। एंड ऑल्सो डू फॉलो आर सोशल मीडिया हैंडल्स, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वे विल बी गेटिंग द एग्जाम अपडेट, नोटिफिकेशन, क्विजेस, GK question, vocab question. So all the program link I have mentioned description, kindly check the description. If you have not started writing the mock test, do write join the mock program and start writing the mock topic wise and full length both. Also after writing the mock test, do work on your analysis part and see where you can improve the score. Okay, so all the program links, books, mock test, online program link I have mentioned description, kindly check the description. So prepare well so that we can make into the top law colleges. All the very best, thank you.